एंड आई होप एंड जैसा कि सभी जानते हैं कि अब नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ यू सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हाय, आई एम वैशाली एंड आई मेक यूट्यूब वीडियोस रिलेटेड टू ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल, बेसिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच कम्स टू माय माइंड। एंड आप सभी को पता है तीज का त्योहार मीन्स ग्रीनरी, सो इसलिए मैं आज पूरी ग्रीन ग्रीन रेडी हुई हूँ एंड यू गाइज कैन सी। तो आज की वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ कि ये मैंने ग्रीन ग्रीन मेकअप कैसे किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे आई एम यूजिंग मामा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम फॉर प्रेपिंग माई स्किन एंड दिस वन इज़ रियली गुड। मैं इसको बहुत अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, जस्ट लाइक दैट। आज पहले हम अपना आई शेडो करेंगे, तो उसके लिए आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का कंसीलर एंड अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको। एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ एले कलर का स्वीट 16 आई शेडो पैलेट एंड इसमें से मैं ये लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड। दोनों ही आईज़ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और अब मैं अपने इस आई शेडो पैलेट से ग्रीन कलर लूँगी एंड इसको बहुत अच्छे से यू नो स्मूथली ब्लेंड करेंगे अपनी पूरी आई पर, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ तीज लुक, तो हमें ग्रीन ही मेकअप करना है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे। एंड गाइस, आई शेडो जितना अच्छे से ब्लेंड होगा उतना ही अच्छे से यू नो उतना ही ब्यूटीफुल निकल करके आएगा। यस, आई शेडो इज़ डन और जो भी एक्सेस प्रोडक्ट हमारे फेस पर है हम उसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब आते हैं बेस पे एंड प्राइमर के लिए आई एम यूजिंग लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर फेस प्राइमर। एंड गाइज, अगर आपने मेरी यू नो हाउ टू गेट फ्लॉलेस बेस वाली वीडियो नहीं देखी है, यू गाइज कैन चेक आउट, मैं यहीं पर लिंक डाल दूँगी उसका। और अच्छे से प्राइमर लगाएंगे सो दैट हमारा फाउंडेशन और बाकी के मेकअप प्रोडक्ट्स अच्छे से स्टिक हो जाए हमारे फेस पर और हमें वो फ्लॉलेस वाला बेस मिल सके। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग मेबलिन फिट मी मैट पॉलेस इन द शेड 128 वार्म न्यूट। मैं फाउंडेशन को पहले डॉट लगा के फिर ब्लेंड करना प्रीफर करती हूँ एंड आई प्रीफर ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज उससे बहुत अच्छे से यू नो एकदम मैट फिनिश मिलता है। जल्दी जल्दी से ब्लेंड कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। एंड यस गाइस, नेक एरिया बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, आपको आपकी नेक पे भी बहुत अच्छा खासा प्रोडक्ट लगाते हैं। अच्छा, यू नो मैंने बहुत यूट्यूबर्स से सुना है कि यू नो थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको आपके नेक पे भी लगाना चाहिए, बट मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्ट आपको आपके नेक पे लगाना चाहिए सो दैट आपकी स्किन टोन बहुत अच्छे से मैच करे। वन मोर थिंग गाइज, मेरी नेक पे बहुत ज़्यादा लाइन्स है तो उसकी वजह से मैं कितना भी प्रोडक्ट लगा लूँ वो कम ही रहता है। फॉर कंसीलर टुडे आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर और ये कुशन कंसीलर है एंड इसको हम ऐसे ट्विस्ट करके यू नो प्रोडक्ट निकलता है एंड मैं अपने डार्क सर्कल्स पे या थोड़े से प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे इसको लगाऊंगी एंड देन बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करूंगी। एंड ये कंसीलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बिकॉज ये बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है। एंड गाइज, इफ़ यू हैवन्ट वॉच्ड माई हॉल वीडियो देन प्लीज़ गो एंड चेकआउट, मैं यहीं कहीं पर लिंक दे दूँगी अपनी उस हॉल वीडियो का, बिकॉज ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने अभी रिसेंटली ही परचेज़ किए हैं। एंड टुडे आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का लूज फिनिशिंग पाउडर इन दिस शेड मीडियम आई गैस। मेरे को अच्छे से याद नहीं है, मैं सब यू नो सभी प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी नीचे। एंड यस, ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये बहुत बटरी सॉफ्ट है।
एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का कॉम्पैक्ट फॉर माय नेक। तो अब बाकी का आई मेकअप कर लेते हैं। एंड ये नायका का बॉक्स बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, तो मैंने अपने यू नो आई मेकअप सब इसी में रखे हुए हैं। एंड फॉर लाइनर आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का लिक्विड आई लाइनर। एंड हमें बहुत छोटा सा ही विंक क्रिएट करना है। एंड यस गर्ल्स, अगर आपने अभी तक मेरी बिगनर आई लाइनर वाली वीडियो नहीं देखी है देन प्लीज़ गो एंड चेक आउट। मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। फॉर काजल आई एम यूजिंग दिस मेबलिन की कॉलोसल काजल। एंड यस, मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इसमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो। मैं सेम पैलेट से सेम ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ, बहुत हल्का ही अप्लाई करूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं करने वाली हूँ। फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस मैक लुक का मस्कारा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत 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 अच्छा है। एंड ये मैंने लॉकेट मार्केट से ही परचेज़ किया था। आई डोंट नो ये इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी कि नहीं। नाउ आई एम यूजिंग दिस लैश कलर एंड मुझे भी नहीं पता कि मैंने लैश कलर कितने टाइम बाद आज यूज़ किया है। फॉर ब्राउज आई एम यूजिंग दिस आले कलर का आई शेडो पैलेट एंड इसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है। एंड गाइज मैं अपनी आईब्रोज को बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करती हूँ, सिर्फ इनमें जो गैप है उस गैप को फिल करती हूँ। Yes, eye makeup is complete. Now it's time for contour and for contouring I'm using this NYX का bronzer. And contouring is so important. मतलब ये आपका फेस ऐसे दिखा देती है जो आपका फेस रियल में है ही नहीं। आई मीन अगर आपका फेस थोड़ा सा मोटा है तो कॉन्टोर करके आपका फेस पतला लगेगा, आपकी नोज़ बड़ी है तो कॉन्टोर करके आपकी नोज़ छोटी लगेगी and what not. For blush I'm using this Maybelline का, I guess पीची स्वीट शेड है ये। ऑब्वियसली मुझे शेड याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी इसका, बट ये बहुत ही प्यारा शेड है। यस माय फेवरेट पार्ट हाइलाइटर एंड फॉर हाइलाइटर आई एम यूजिंग दिस मेबलिन मास्टर क्रोम का इन द शेड मोल्टन गोल्ड एंड ये बहुत बहुत प्यारा हाइलाइटर है। You guys can see इसका यू नो ग्लो ही अलग है। Today I'm using this sugar का liquid lipstick and you guys can see कितना प्यारा शेड है ये भी। And yes, makeup is complete. Now it's time for makeup fixer. सो दैट हमारा पूरा मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाए। एंड मैं इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही हल्के हाथ से ऐसे डैब करती हूँ सो दैट अगर कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल जाए इजीली।
टडा, मेकअप इज़ कम्प्लीट। एंड मैंने एक बहुत ही इजी एंड सिंपल सा लो बन बनाया है बिकॉज ऑब्वियसली समर है एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड यस, छोटे से मल्टी ईयर रिंग्स विद दिस ग्रीन बिंदी। यस, लुक इज कम्प्लीट, आई एम लविंग दिस। If you do, please like, share and subscribe to my channel. Also hit the bell icon to get notified every time I upload a video. And you guys can also follow me on Instagram. I will link my Instagram handle in description box below. Make sure you check that. So yeah, milte hain next video mein. Till then, khud ka dhyan rakhiye, khud se pyar kijiye. Bye.